नमस्ते फ्रेंड्स, देखिए कुछ इंटीग्रल के डाउट्स हम सोल्व करते हैं। 9.1 का एक डाउट है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करते वक्त सबसे पहले ध्यान में रखना कि यदि सेपरेट हो रहे हैं टर्म्स तो सेपरेट करने चाहिए अपने। ये सेपरेट हो रहा है, 3 बाहर ले आया मैं, इंटीग्रल एक्स रेस टू 3/2 बच गया, ये हाफ पावर है तो डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाती है, ये 2 में से हाफ माइनस हुआ, 1.5 बच गया, इंटू dx लगाया, प्लस 4 बाहर आ गया इंटीग्रल, ये x की पावर हाफ हो जाएगी इंटू dx, और प्लस 5 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल x टू दी पावर माइनस हाफ इंटू dx। इस तरह से इसका इंटीग्रल होगा। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। इंटीग्रल tan क्यूब एक्स इंटू sec क्यूब एक्स इंटू डीएक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रल इसको लिखेंगे tan x, ब्रेसिस ये हमारे पास पड़ा है, कौन tan क्यूब को, चलो tan पड़ा रन दो, sec क्यूब को हम sec स्क्वायर अलग करेंगे, sec अलग करेंगे, sec को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर का रूट, ओके, और इंटू ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू dx। देखो sec क्यूब के मैंने दो पार्ट कर लिए, एक तो sec स्क्वायर होगा, एक sec होगा, ये sec है, tan क्यूब पढ़ा था। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, हम मान लेंगे यहाँ पर कि tan x इज इक्वल टी है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया tan स्क्वायर x इंटू dx इक्वल डी टी, ओके। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यहाँ पर tan क्यूब हो जाए यानी टी क्यूब हो जाएगा, ये रूट 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx में चला गया, यहाँ dx चला गया dt में, तो यहां से यहां लिख देता हूं, चलो I इज इक्वल ये हो गया t क्यूब रूट 1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू dt, देख लें आप आराम से। यहां पर हम इसको आगे सोल्व करें, ये अपने आप में 1 प्लस टी स्क्वायर और ये टी क्यूब है, इनका सेपरेशन हम कर नहीं सकते भी, यहां पर इसको अपन सेपरेट करें तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम फंक्शन है, तो यहां पर हमारे पास में इनको सेपरेट करने का आइडिया बनता है, वो देखो यहां पर टेन से बनाते हैं या फिर यहां पर टी स्क्वायर से या टी क्यूब से बनाते हैं। हाँ जी रुद्राक्ष, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टी है, इसका डेरिवेटिव 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल डी, ये 2 यहां से हटेगा तो इसके डाउन चला जाएगा, यहां tan क्यूब है तो एक तो tan इसका और x sec स्क्वायर इंटू dx इसमें चला dt बाई 2 चला गया, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं यहां लिखता हूं, तो ये बन गया हमारे पास में tan स्क्वायर बचेगा, यहां पर tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहां पर तो t माइनस 1 हो जाएगी, तो ये हो गई t माइनस 1, इस अंदर वाले को मैंने माना t, तो ये होगा t की पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ पावर होगी t की पावर हाफ और इंटू डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर निकलूंगा। यहां पर वापस देख लो, इससे एक tan लिया, ये sec स्क्वायर इंटू dx dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ गया, dt बढ़ा है, यहां पर tan स्क्वायर बचेगा, tan स्क्वायर की वैल्यू आएगी t माइनस 1, तो लिख दी t माइनस 1, इसको लिया मैंने t, तो t की पावर होगी हाफ, वो बाहर रख दी, सेपरेशन करता हूं, हाफ हो गया, इंटीग्रल हो गया, ये इससे इंटू होगी तो t की पावर होगी 3/2 इंटू डी टी, माइनस हाफ आएगा और t की पावर हाफ और इंटू डी टी, ओके। हाँ आइए नेक्स्ट डाउट पे बात करते हैं, cot रूट cot x प्लस 1 अपॉन रूट cot x, यहाँ इसका मैंने एलसीएम ले लिया, देखो बोर्ड पे तो एलसीएम लिया आज, तो ये से मल्टीप्लाई कर cot x हो गया, तो स्पीड बनाए प्लस 1 बाय रूट cot हो गया, यहाँ पर साइन अपॉन cos में चेंज करूँ तो ये हो गया cos x, एलसीएम लेना आता होगा, प्लस साइन x और डिवाइडेड बाय साइन x हो गया, और इस रूट cot को मैं लिखूंगा यहाँ पर रूट cos एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, ये नीचे है आधी पावर, ये एक पावर है तो ये ऊपर आधी बच गई ना, और इन दोनों एक साथ ही कर दूं ये लो। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर रूट 2 दे देता हूं और
इसको भी अंदर रूट दो देता हूं। आगे बात समझ में, ये रूट दो ऑलरेडी ऊपर पड़ा था, ये हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे वाले में ये बन गया साइन टू एक्स। देखना है पर टू साइन एक्स कोस एक्स रूट के अंदर वो बन गया हमारे पास में साइन टू एक्स, और एक इसमें प्लस करूंगा और एक माइनस करूंगा, एक जोड़ा एक घटाया और प्लस साइन टू एक्स लिख दिया। याद आ रहा होगा ऐसा डाउट हम पहले कर चुके हैं। फिर आगे देखना है, एक स्टेप और सोल्व करता हूं इसको मैं। ये लो, यहां से मैं इंटीग्रल में डाल देता हूं इसको, और ये रूट टू को बाहर डाल दिया, इंटीग्रल लगाया मैंने यहां पर, ये हो गया कोस एक्स और प्लस साइन एक्स, ओके। और नीचे यहां से वन माइनस लिया इसको, और ये वन माइनस साइन टू एक्स को लिख दिया मैंने यहां पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ओके, और का होल स्क्वायर, और ये रूट में इधर पड़ा ही था। इसको टी मानूंगा मैं, तो साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, माइनस पहले पड़ा था, तो ये डी टी में पूरा चला जाएगा। अभी dx है, आगे करके बता रहा हूं, चिंता नहीं करें आप। ये फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है पहले से ही, कि यहां पर माइनस कॉमन लेते ही चाहो तो किसके बोल लिख दू, ये लो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो माइनस कॉमन लिया, वन माइनस साइन टू एक्स हो गया, और वन माइनस साइन टू एक्स का फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं, एक दिन सारे लिखवाए थे मैंने यहां पर, इसको साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो खोलेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो तो एक हो जाएगा, फिर आएगा माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स, वो साइन टू एक्स हो जाएगा। इसको यू लिख दिया, तो यहां लिख दूंगा मैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और रूट टू ऑलरेडी बाहर पहले से पड़ा है, ये ऊपर पड़ा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन, ये हो गया हमारे पास में रूट वन माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां मान लेंगे हम किसको, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लिया, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस का माइनस साइन होता है, माइनस इनके बीच में पड़ा था तो प्लस हो गया, इंटू डी एक्स इक्वल डी टी हो गया, ओके। ये आई इज इक्वल रूट टू आ गया, इंटीग्रल लग गया, ऊपर वाला पार्ट डी टी में चला गया, नीचे वाला वन माइनस टी स्क्वायर रूट हो गया। आपको पता है ये क्या आता है, रूट टू यहां पड़ा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी वन और प्लस सी, टी का वैल्यू वापस रख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, आज मैं आपको एक बार फिर से पार्शियल फ्रैक्शन यानी से अपन बोलते हैं आंशिक भिन्न, उसके बारे में विस्तार से समझाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, या डाउट है अपने एक्सरसाइज 9.4 का, फोर्थ 3x माइनस 2 बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेसिस x प्लस 2। देखो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और कैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं वो स्टेप्स देखिए। जिस भी फ्रैक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना चाह रहे हैं उसके नीचे कितने फैक्टर हैं, यदि ऑलरेडी फैक्टर बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हुए हैं तो पहले आपको फैक्टर बनाने हैं, इस तरह के फैक्टर आपको कन्वर्ट करने हैं। जो फैक्टर बनते हैं उन सब में क्या होता है कि आप जो सिंगल विदाउट पावर का सिंगल फैक्टर पड़ा उसको ए के नीचे, यदि सारे सिंगल पड़े हैं तो दूसरे को बी के नीचे, यदि सारे सिंगल पड़े हैं तीसरा और पड़ा तो उसको सी के नीचे, जितने फैक्टर हैं ईच को एक कांस्टेंट वेरिएबल के नीचे लिखना है, ओके। नेक्स्ट, यदि यहां पर मान लो यहां फोर होता, फाइव होता, यहां पर ए होता, या यहां पर माइनस का टू होता, या माइनस का वन होता, या प्लस का टू होता, प्लस का थ्री होता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये फैक्टर होते हैं। तो यहां पर सिंगल की बात कर रहा हूं, विदाउट पावर वाले सिंगल वाले दो पड़े, एक को एक के नीचे प्लस में दूसरा बी के नीचे, यदि सिंगल वाले विदाउट पावर वाले थ्री पड़े तो एक को एक के नीचे दूसरा बी के नीचे तीसरा सी के नीचे। तो यहां पर हम यू इसको देख रहे हैं कि ये वन प्लस एक्स है,
एक्स प्लस थ्री है, तो यहां पर सिंगल वाले को तो लिख दिया ए के नीचे। फिर क्या करना है, जिस पे होल स्क्वायर होता है उसके बेस को तो लिखना है बी के नीचे, और उस कंप्लीट को लिखना है सी के नीचे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब सर जरूरी है क्या इसको पहले लिखना है? कोई जरूरी नहीं है। आप सबसे पहले यहां पर ए अपॉन एक्स प्लस वन लिखते, बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखते, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री लिखते, तो भी राइट था, कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में यहां पर देखो क्या आएगा, एलसीएम तो लेना आता होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा और एक्स प्लस थ्री आएगा। फिर इधर ऑलरेडी जो पढ़ा है वो पढ़ा ही रहेगा, तो यहां पर x प्लस वन का होल स्क्वायर और ब्रैसिस x प्लस थ्री। ओके, जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा a ब्रैसिस x प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस b x प्लस वन एंड x प्लस थ्री, प्लस c और x प्लस थ्री। ये तो एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, इस तरह सोल्व करना आपको आता होगा। फिर आगे देखिए आप, अब हमें बोथ साइड को कंपेयर करना है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर होने चाहिए थे। बराबर तभी होंगे जब एक्स के कोएफिशिएंट एक्स के बराबर और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बराबर और कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के बराबर होंगे तब। तो इतनी लंबी जोड़ी अपन कंपेयर करेंगे तो बहुत लंबा टाइम बीत जाएगा, बहुत टाइम लगेगा अपने को। बहुत शॉर्टली बताता हूं आपको मैं, यहां पर मैं वैल्यू रखता हूं कि इफ x इज इक्वल माइनस वन। सर माइनस वन ही क्यों रखा? आपको धरती पर जितनी नंबर है उसमें से कोई भी नंबर लिखकर आप इसको इस तरह सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आप सोचकर ऐसी नंबर रखेंगे जिससे मैक्सिमम पार्ट जीरो हो जाए तो आपको काम करने में आसानी होगी। मैंने यहाँ माइनस वन रखा, माइनस वन रखने से ये फर्स्ट टर्म पूरा जीरो होगा, क्योंकि x का वैल्यू माइनस वन प्लस वन जीरो और ये जीरो से इंटू पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया। ऐसे यहाँ पर भी जीरो हो गया, बचा कौन? केवल c वाला टर्म बचा, तो सिंगल अननोन वेरिएबल c बचा, उसका वैल्यू हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इफ x इज इक्वल माइनस वन तब आंसर क्या आएगा, किसका? c का। उधर क्या बच गया, देखो x का वैल्यू माइनस वन रखा, माइनस वन प्लस थ्री तो प्लस के टू और साथ में कौन है c, देखिए 2c हो गया, वो वैल्यू x का वैल्यू माइनस वन यहां भी रखना है, तो माइनस वन रखा तो माइनस के 3 और माइनस के 2 ऊपर आओगे माइनस के 5, देखते रहना आराम से। यहां पर माइनस वन रखा तो ये हो गया पूरा जीरो, देखो इधर यहां देखना x का वैल्यू क्या रखा, माइनस वन, तो यहां पर ये हो गया पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, इधर जीरो हो गया। तो इधर भी तो है, तो यहां पर क्या करेंगे हम इसको हटा देंगे, इसका एलसीएम से इसका एलसीएम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां क्या आ गया, माइनस का वन रखा एक्स का वैल्यू तो माइनस के थ्री, प्लस माइनस का टू तो माइनस के हो गए फाइव। तो यहां पर हमारे पास सी का वैल्यू हम निकालेंगे, तो सी का वैल्यू आ गया सी इज इक्वल माइनस फाइव बाई टू। एक बार आराम से देख ले बोर्ड। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट में इफ एक्स इज इक्वल माइनस थ्री रखा मैंने, तो एक्स इज इक्वल माइनस थ्री, तो माइनस थ्री रखते ही ये जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री रखते ही ये जीरो हो जाएगा, ये बच गया। एक्स का वैल्यू माइनस थ्री रखा तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस का टू बचा, माइनस टू का स्क्वायर फोर होगा, तो इधर आ गया फोर ए इज इक्वल, एक्स का वैल्यू रखा आपने माइनस थ्री तो थ्री थ्री जा नाइन, माइनस के नाइन माइनस के टू माइनस के इलेवन, ए का वैल्यू आ गया माइनस इलेवन बाई फोर। अब नेक्स्ट में कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आपकी मर्जी, पर ऐसी रखो जिससे मैक्सिमम पार्ट जीरो हो जाए, नहीं हो रहा तो भी सोल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू जीरो रखा आपने, एक्स का वैल्यू जीरो रखने से क्या फर्क पड़ रहा था, यहां पर जीरो रखा तो वन का स्क्वायर वन हो गया, यानी क्या बच गया, ए बच गया। यहां पर आपने जीरो रखा तो वन हो गया, जीरो रखा तो थ्री हो गया, थ्री वन जा थ्री तो ये हो गया प्लस का थ्री बी। आराम से सोचते जाए, इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी आपको। यहां रखा आपने जीरो थ्री हो गया, ये प्लस का थ्री सी हो गया इज इक्वल, यहां आपने जीरो रखा तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, माइनस टू आ गया इक्वल। ओके, यहां पर देखो ए और सी का वैल्यू आपको पहले से पता है, तो यहां पर सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, बी की, थ्री बी इक्वल माइनस टू, ए उधर गया, यहां माइनस का है सॉरी प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, और ये खुद माइनस का तो प्लस का इलेवन बाई फोर लिख दू, थोड़ा सा इतना काम तो आपको सोचना पड़ेगा। ये थ्री सी है, उधर गया माइनस का हो गया, खुद माइनस का हो जाएगा प्लस का, कितना गया फिफ्टीन बाई टू। एलसीएम ले लें इसको, थ्री बी इज इक्वल
फोर आएगा, माइनस एट प्लस इलेवन प्लस थर्टी, ये 41, 8 क्या 33 हो गया। तो यहां पर b का वैल्यू आ गया 33 और बाई 3, 41, 8, 33 बाई 3, तो b का वैल्यू 3 आ गया। एक बार फिर से देख लें, चेक कर लें यहां से, ये हो गया हमारे पास abc का वैल्यू। अब डाउट 90% डाउट abc का वैल्यू फाइंड आउट करते सोल्व हो जाता है। इसको आगे कैसे करना है, आगे देखना है आपको क्या करना है। आगे आपको करना था इंटीग्रल इसका, ओके, इसके आपने पार्ट बनाए थे तीन, ये तीन पार्ट हो गए, ओके। इन ईच पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरे गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका कैसे करूंगा एक बार यहां देख लीजिए, यस, आगे देखिए। अब मैं इसमें वैल्यू लिखता हूं ए बी और सी की, ए का वैल्यू कितना था हमारे पास माइनस इलेवन बाई फोर, देखना यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, मैं इन स्टेप्स को यहां लिख देता हूं, ए का वैल्यू माइनस इलेवन बाई फोर बाहर आ गया और वन अपॉन एक्स प्लस वन पड़ा है इंटू डी एक्स पड़ा है। फिर बी का वैल्यू था, बी का वैल्यू था इलेवन, तो यहां पर बी का वैल्यू आ गया हमारे पास इलेवन प्लस का वो बाहर आ गया वन बाई एक्स प्लस वन हो गया, यहां थ्री था एक वैल्यू में और यहां वन हो गया इंटू डी एक्स हो गया। फिर नेक्स्ट देखें अपन, तो आगे हम देखते हैं इसको, यहां पर ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया, सी का वैल्यू हमारे पास था माइनस फाइव बाई टू, तो ये रहा माइनस फाइव बाई टू इंटीग्रल वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो चुका है इंटू डी एक्स। एक बार बोर्ड पर आराम से देख लिया आप सभी, यहां देखो नेक्स्ट स्टेप यहां लिख रहा हूं, ये माइनस इलेवन बाई फोर कोफिशिएंट ऐसे पड़ा रहेगा, ये वन अपॉन एक्स की तरह बिहेव करता है। यहां पर सबको देख लीजिए, इस तरह से 90% ऐसा काम होता है कि जब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हर जो फैक्टर होता है वो वन अपॉन एक्स की तरह ही बिहेव करता है, तो उनका सबका जो इंटीग्रेशन होता है वो लोग एक्स लोग एक्स लोग एक्स होता है। तो ये कन्फर्म हो गया, यानी मैंने कहा यहां तक होते ही 90% काम हो चुका है और आगे बहुत ईजी रहता है। बस इसमें थोड़ा सा अपने को कंसंट्रेशन करके वैल्यू निकालनी पड़ती है कि सही से आ जाए, यहां गलती नहीं हो, बाकी आगे बिल्कुल भी जोर नहीं आता। देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, ये हो गया लोग और मॉडुलस एक्स प्लस थ्री और फिर प्लस लोग एक्स प्लस वन माइनस फाइव बाई टू, ये देखना ये क्या है, इधर देखिए थोड़ा सा, वन अपोन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं ना तो आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। यहां पर आप थोड़ा सोच ले, माइनस को साथ काउंट कर ले, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की तरह इसको सोचे तो इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस का वन अपॉन एक्स, और एक्स इसको बोला मैंने एक्स प्लस वन को एक्स बोला है, तो इसका रिजल्ट आएगा यहां पर इंटू में वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। एक बार देख लें आपस से आराम से, क्या किया मैंने आंशिक भिन्न आपको समझाने की कोशिश की है, पार्शियल फ्रैक्शन उसके लिए क्या करते हैं कि नीचे जितने फैक्टर पड़े होते हैं उन ईच फैक्टर को ए बी सी ऐसे कांस्टेंट वेरिएबल के नीचे रखते हैं, रख दिया इसका हम एलसीएम लेते हैं और इसको एज इट पड़ा रहने देते हैं, दोनों के एलसीएम कैंसिल हो जाते हैं और दोनों के ऊपर वाली वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पहले इसको खोलना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूं कि यहां पर जैसे मान लो एक्स प्लस टू पड़ा है तो एक्स प्लस टू होता तो एक्स का वैल्यू माइनस टू रखो, एक्स माइनस टू पड़ा होता एक्स का वैल्यू प्लस टू रखो, ऐसी वैल्यू रखो जिससे मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाए जीरो हो जाए और बचे उसका आपको आंसर पता हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, मैंने यहां पर एक्स की वैल्यू रखी माइनस वन जिससे ये पूरा क्या हो गया जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, इट विल बिकम जीरो, इट ऑल्सो बिकम जीरो, ये बचेगा केवल एक वेरिएबल बचेगा कौन सी, उसका वैल्यू मेरे पास आ गया। ऐसे फिर दूसरी बार मैं रखूंगा माइनस का थ्री, तो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो गया, तो ये टर्म भी पूरा जीरो हो गया, केवल ए वाला टर्म बचा जिसका वैल्यू आ गया मेरे पास माइनस इलेवन बाई फोर। जब इस तरह से कोई वैल्यू रखकर वापस जीरो नहीं हो रहा है तो आप क्या सोचेंगे कि दो वेरिएबल आ गए ए और बी या ए और सी, कोई भी दो आ गए तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, मैंने यहां पर जीरो रखी तो इक्वेशन बन गया, इसमें से ए और सी का वैल्यू रख दिया, बी का वैल्यू आ गया 11 और
यहां पर क्या करेंगे वापस, जिस तरह से आपने इस पूरी फ्रैक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा था, छोटे छोटे अंशों में बांटा था, इसलिए इसका नाम होता आंशिक भिन्न। छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने को ही पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है। तो ईच पार्ट में एबीसी का वैल्यू रखेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ जी, थोड़ा यहां देख लें, यहां हम इसको लिख सकते हैं 11/4 कॉमन आ जाएगा। यहां हमने डी का भी थोड़ा सा रोंग कर दिया था, यहां पर एलसीएम था उसको वापस नहीं लिखा था, तो 11/4 इसकी वैल्यू आएगी। और 11/4 वैल्यू आने के कारण क्या होगा इसमें कि मैं यहां पर 11/4 कॉमन ले लूंगा, प्लस वाला लेता हूं कॉमन, तो यहां बच गया हमारे पास में लोग मॉडुलस एक्स प्लस वन बच गया और माइनस लोग मॉडुलस एक्स प्लस थ्री बच गया और यहां ब्रेसिस क्लोज हो गया और 5/2 और इंटू 1/x प्लस 1 प्लस सी पढ़ा था उसको रहने दिया। यहां पर माइनस में लोग डिवाइड में लिख दी जाती है उस वैल्यू को, लोग सिंगल टाइम रहेगा और इसके आगे जो वैल्यूज पड़ी है उसको x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3 लिख देंगे और ये ब्रेसिस क्लोज हो गया और प्लस 5/2 ब्रेसिस 1/x प्लस 1 हो गया प्लस सी हो गया। आराम से एक बार देख ले, समझ ले, एक डाउट देखिए साई, अच्छा डाउट है चल रहा है। यहां देखो इंटू डी एक्स हो गया, यहां इसको मैंने y लिया x स्क्वायर को और इसको इससे डिवाइड किया क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब दोनों पावर सेम होती है तो इम्प्रॉपर होता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जो कोशेंट आया प्लस रिमाइंडर अपॉन जो डिविडेंड वो लिख दिया मैंने यहां पर, यहां पर इसको आगे x की मैंने वैल्यू लिख दी, यानी y की वैल्यू लिख दी, यहां पर x स्क्वायर थी जो मैंने सिंपल करने के लिए ली थी, मैंने इंटीग्रल नहीं माना था मैंने इसको, तो वापस इसको ऐसा लिख दिया। इंटीग्रेशन करना है तो 1 का होगा तो इंटू में dx आ गया, इसका भी तो होगा इंटू में dx लगा दिया। आप इसको आप चाहो तो ये तो x हो गया और माइनस इसको i1 मान के अलग से सोल्व कर सकते हो। मैंने इसको i1 लिया है, यहां प्लस c लगाना जरूरी, i1 लिया, i1 क्या था 4x स्क्वायर प्लस 10 बाई x प्लस 3 सॉरी x स्क्वायर बाई 3 और x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx था। अब इसको पार्शियल में चेंज कर रहा हूं, किसको 4x स्क्वायर प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 को, इसको मैंने क्या लिख रखा है यहां पर देखो कन्वर्ट करने का क्या लिखा, ये लिख रखा है और ये नहीं समझो तो कोई बात नहीं, आप तो a के नीचे फर्स्ट ब्रेसिस लिख दो x स्क्वायर प्लस 3 और b के नीचे दूसरा ब्रेसिस लिख दो b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओके। और यहाँ पर एलसीएम सेम आएगा, दोनों के एलसीएम नहीं लिखूंगा क्योंकि कट जाएंगे बाद में, क्या फर्क पड़ेगा इसे इंटू करूंगा मैं, तो आएगा ए और एक्स स्क्वायर प्लस 4a, गौर करें सभी, बी एक्स स्क्वायर प्लस 3b और फिर इधर आ गया हमारे पास में 4x स्क्वायर प्लस 10, समझ में आई कहानी थी। तो कंपेयर करो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर a प्लस बी है, दिख रहा राजा एक्स स्क्वायर का ऑप्शन a प्लस बी है, तो इधर एक्स का ऑप्शन कितना है 4 है, इक्वेशन नंबर क्या होगा फर्स्ट, यहां पर क्या 4a प्लस 3b और इज इक्वल, ये कांस्टेंट है दोनों, कितना कांस्टेंट है इधर है 10, इक्वेशन नंबर सेकंड, यस और नो, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से गुणा कर दूं मैं, यहां 16 हो गया और इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं ये कैंसिल हो गया, यहां पर आया 1b और इज इक्वल 6, b का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देंगे, a का वैल्यू आ जाएगा और फिर आगे इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे ओके। अब आगे आप देखिए आईलेट के कॉन्सेप्ट देखिए एक बार, यानी हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है 9.5 उसमें है आईलेट। आईलेट क्या होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू हमारे पास फंक्शन होते हैं तो हम उसको कैसे सोल्व करें उसका कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे मैं लिख दिया पर x स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका डायरेक्ट कोई हमारे पास मेथड नहीं होता है, जितने हमने अभी तक 9.4 तक पढ़े वो कोई मेथड यहां अप्लाई नहीं हो रहा है। यहां लगेगा आईलेट, आईलेट होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब फर्स्ट कौन सा है सेकेंड कौन सा है, इस महाभारत का सोल्यूशन ये है कि एक आपको शॉर्ट ट्रिक है आईलेट। I for inverse trigonometrical function, L for logarithm, log वाले function, A for algebraic function, जो x square है, 2x है, 5x है, x square plus 2 है, जो भी algebraic है, बीजगणित जितने भी होते हैं, वो सारे algebraic A में आते हैं। फिर T for trigonometrical function, sine, cos, tan, cosec,
आर ई फोर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बार वापस देख ले, मैंने बोला उसको रिमाइंड कर लें, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स वाले होते हैं। अब यदि आपके सवाल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, सपोज करो यहां साइन इनवर्स एक्स होता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा है तो उसको फर्स्ट, और बाकी कुछ भी बचा है उसको सेकंड नाम देते हैं। यदि इनवर्स वाला नहीं है तो लॉग वाला कोई पढ़ा हो, जैसे मान लो एक्स इंटू लॉग एक्स पढ़ा हो, तो ये फंक्शन तो होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। अब हमारे पास इनवर्स वाला भी नहीं है, लॉग वाला भी नहीं, तो एल्जेब्रिक देखो, जैसे इसमें एल्जेब्रिक पढ़ा है एक्स स्क्वायर, ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। अब एल्जेब्रिक नहीं है, हमारे पास पढ़ा होता e की पावर एक्स और साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा होता, तो इसका हम करते हैं इंटीग्रल, तो यहां पर नंबर आ गया किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आ गया, इसलिए ये होता फर्स्ट और e की पावर एक्स होता सेकंड। और यदि ये तीनों ही, ये चारों ही नहीं पढ़े, e की पावर एक्स पढ़ा है तो e की पावर एक्स होता फर्स्ट, बाकी बचा होता सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट है इसका। मैं एक डाउट आपको करके बताता हूं, ये डाउट मैंने लिख लिया बोर्ड पे, गौर से देखें इसको, इंटीग्रेशन है आईलेट से कर रहा हूं, आईलेट का फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, इंटीग्रल फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डीएक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और इसका रिजल्ट जो आए फर्स्ट के डेरिवेटिव और सेकेंड के इंटीग्रल का रिजल्ट आए, उस पूरे फंक्शन का फिर से आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट को एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, आगे से मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिखूंगा। अभी आपको एक बार बताने की दृष्टि से मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आराम से आप एक बार देख लें, समझ लें, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बोलें। साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे का वापस इंटीग्रेशन होगा, यहां पर आई इज इक्वल एक्स स्क्वायर एज पड़ा रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है वो 2x होगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो इस माइनस से ये माइनस प्लस बन जाएगा इंटू डी एक्स, और प्लस यहां पर सीमा लगा दिया, क्योंकि एक बार इंटीग्रल होते ही एक कांस्टेंट निकलकर जरूर से आता, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट अपने दिखाना यहां पर शो करना जरूरी है, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, यहां प्लस पड़ा है, यहां फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई होगा, ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा, देख लीजिए यहां पर मैं ब्रेसिस लगाया बिग ब्रेसिस, और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और इसके रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, समझ लिया। और नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं, ये तो हो चुका है, इसको नहीं लिखूंगा मैं, प्लस टू लगा के आगे वाली स्टेप लिख रहा हूं यहां पर, ये एक्स पड़ा रहेगा, कोस का साइन होता है तो एक साइन एक्स हो गया, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस यहां पड़ा था कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन होता है तो वन आ गया इंटीग्रल, और यहां पर कोस एक्स इंटू डी एक्स ब्रेसिस क्लोज प्लस सी टू लिख दिया, फिर से इंटीग्रेशन हुआ तो एक कॉन्स्टेंट और आ गया सी वन, और वो जो आया नया कॉन्स्टेंट वो मिलकर सी टू माइनस को लिख दिया, फिर आगे ये हो चुका है, कोस का करूंगा तो प्लस साइन आएगा। नेक्स्ट स्टेप यहां लिख देता हूं इसका फाइनल रिजल्ट, सुनिए, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स फिर यहां पर टू इसके साथ भी आएगा कोस का होता है साइन तो यहां पर टू आ गया टू साइन एक्स और सारे कॉन्स्टेंट मिलाकर मैंने क्या लिख दिया सी लिख दिया। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें, ये डाउट हुआ है आईलेट के अकॉर्डिंग, वापस सुन लें, अपने जहन में बिठा लें फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है, अपनी भाषा में बोलो तो पहला इंटू दूसरे का समाकलज, समाकलज रिजल्ट है ये,
कि लर्न है, प्रोसेस नहीं है। माइनस पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलज का समाकलन, यदि किसी को इंटीग्रेशन डाल दिया इट मीन्स वो प्रोसेस में है, हो चुका, मतलब वो इंटीग्रल है इसका। यस, आराम से देख ले एक बार, आई लेट एक और एग्जाम्पल।